Yes, good evening students. Today we will do the percentage chapter. This is the table of percentage. You have to learn these values and this values. ठीक है, ये हमारा फ्रैक्शन है, ये हमारा परसेंटेज है. मैंने पूछा 1/7 किसके इक्वल होगा, तो 1/7 किसके इक्वल होगा, आपको नहीं पता, आप इसको मल्टीप्लाई कर लो 100 से. 7 × 1 = 7, यहाँ पे बचेगा 3, 3 और 0 = 30 बन जाएगा. फिर किस पे कट होगा, 14 पे, और पूरा पूरा कट नहीं होगा, 2 रिमाइंडर आएगा, तो 14 2/7%. ऐसी मैंने आपको 1/8 और 1/12 को रिलेट करके बताया था कि 1/8 जो है वो हमारा 12.5% के इक्वल होता है. ठीक है, और 1/12 की बात करूं तो वो 8.5 के इक्वल होता है. तो ये आपस में रिलेटेड है बेटा वैल्यूज. ठीक है, 1/9 जो है किसके इक्वल होगा, ये देखो 1/9 11.11%. ऐसी 1/11 निकालोगे तो वो होगा 9 × 1/11%. ये होता है 11 × 1/9%. तो 1/9 और 1/11 आपस में क्या है, रिलेटेड है. ठीक है, इसीलिए मैं ये वैल्यूज पूछ रही हूँ आपसे. 1/9 1/11 रिलेटेड है, 1/8 और 1/12 रिलेटेड है, और 1/7 पूछा है, तो 14 2/7. ये जो होता है ना, ये डिनोमिनेटर में ही आता है, ये जो 7 है, 1/7 पूछा है तो डिनोमिनेटर में 7 आएगा, 1/9 पूछा है तो डिनोमिनेटर में 9 ही आएगा. मैम लाइक मैम वी हैव टू कन्वर्ट 1/9 × %, सो मैम इट विल लीव अ रिमाइंडर व्हेन वी कट, सो मैम हाउ वी कैन राइट इट इन परसेंट फॉर्म. किसको किसको लिखना है परसेंट फॉर्म में? मैम 1/9. 1/9 को लिखना है, 100 से मल्टीप्लाई कर दो. ठीक है, 100 × 1 = कितना होता है, 100 मैम. डिवाइड कर दो इसको 9 से, 9 × 1 = 9, यहाँ पे बचा 10 − 9 = 1, ऊपर से उतारा 0, 9 × 1 = 9, रिमाइंडर बचा 1. ठीक है, अब क्या बनेगा, 11 × 1/9%. क्लियर है मैम? मैम व्हाई वी विल डोंट डू मोर डिवीजन इफ देयर इज वन, इफ देयर इज मैम लाइक मैम 1 वाज लेफ्ट इन रिमाइंडर, सो मैम व्हाई वी हैव डोंट डू द 1. समझ नहीं आ रही बेटा क्या कर रही हो. मैम लाइक 9 / 100, 9 एंड मैम द रिमाइंडर, मैम रिमाइंडर मैम डिवाइडेड बाय 100, मैम द रिमाइंडर लीव्स 1, सो मैम वी विल डोंट डू मोर डिवीजन इफ 1 कम्स. नहीं, फर्दर डिवीजन आप कर सकते हो अगर आपको डेसिमल में वैल्यूज चाहिए, अगर मुझे परसेंटेज में चाहिए तो मैं वहीं पे स्टॉप कर दूंगी रिमाइंडर के बाद. ओके मैम, चलिए कंटिन्यू कर रहे हैं एक्सरसाइज को. बेटा टेबल आपको फिर से लर्न करना है, मैं फिर बता रही हूँ आप लोगों को, और कल जिस बच्चे को टेबल नहीं याद होगा उसको मैं क्लास से रिमूव कर सकती हूँ. क्वेश्चन कितने हो गए थे हमारे, 2 क्वेश्चन. Yes, ma'am, we are on question number 3. Okay. चलिए हैंड ओवर कर लीजिए. हाँ जी गार्गी. मैम ये जो क्वेश्चन नंबर 12 है मैम उसमें डाउट है. 12 इसका परसेंटेज का? यस मैम. बेटा अभी तो आज हम 3 से स्टार्ट करेंगे इसको. ओके मैम. 12 आएगा फिर आप डाउट क्लियर कर लेना अपना. ठीक है, चलिए लेट अस स्टार्ट. कौन रीड करेगा क्वेश्चन नंबर 3? खुशी. यस मैम, आफ्टर डिक्रीजिंग 4% इन अ प्राइस ऑफ एन आर्टिकल कॉस्ट 912, फाइंड द एक्चुअल कॉस्ट ऑफ द आर्टिकल. सो मैम कैन आई टेल दिस क्वेश्चन? यस. बोलिए बेटा खुशी. Any value is 100, 100% in itself. I am saying that we are decreasing 24%, so we will subtract 100, subtract 24 from 100, it will become 7. देखिए बेटा कोई भी वैल्यू अपने आप में कंप्लीट होती है 100%. ठीक है, क्वेश्चन में क्या बोला गया कि किसी भी आर्टिकल के, आर्टिकल होता है कोई भी वस्तु. ठीक है,
उसके प्राइस में अगर 24% का रिडक्शन कर दिया जाए, कमी कर दी जाए, तो वो मुझे 912 का मिलता है। इतना कम करने के बाद मिल रहा है 912 का, तो बताना उसकी एक्चुअल कॉस्ट क्या थी। तो बेटा कोई भी चीज अपने आप में कंप्लीट होती है 100%, उसमें 24% का रिडक्शन चाहिए, तो वो कितने की मिलेगी मुझे? 76% की। 10 - 4 = 6, 9 - 2 = 7। तो मींस क्या है कि ये जो 912 रुपीस कॉस्ट है, ये 76% की कॉस्ट है उसकी। 24% तो उसने डिडक्ट कर दिया हमारे को, तो 76% इज इक्वल टू 912। तो 1% किसके इक्वल आएगा? 912/76। यूनिटरी मेथड का यूज कर लेंगे, पहले 1% की वैल्यू निकालेंगे, फिर ज्यादा की, जितना चाहिए। अब हमें एक्चुअल कॉस्ट चाहिए, एक्चुअल कॉस्ट तो 100% थी, तो वी हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ 100%। दैट इज इक्वल टू 912/76 मल्टीप्लाई बाय 100। देखिए बेटा, जब भी ज्यादा से कम की तरफ जाना है तो मुझे डिवाइड करना होगा, और कम से ज्यादा की तरफ जाना है तो मल्टीप्लाई करते हैं। किसी का आंसर आ रहा है 1100, कईयों का आंसर आ रहा है 1200। चलिए देखते हैं, कैलकुलेट करते हैं इसको। ये 4 पे कट हो जाएगा बेटा। अगर आपको बड़े बड़े टेबल्स आते होंगे ना, तो आपके लिए कटिंग भी इजी होगी। 19 का अगर टेबल आता हो, तो 19 के टेबल पे 4 पे 76 आता है, तो 19 का टेबल यहाँ पे करेंगे, 5 आ जाएगा यहाँ पे। 4 पे कट होगा ये, फोर पहले कट कर लेते हैं, 4 19 and 4 20 5। फिर 19 पे इसको कट करेंगे, 19 4 जो होता है हमारा 76। जब 91 में से 76 माइनस करेंगे तो मुझे मिलेगा नीचे 15, और 2 ब्रिंग डाउन तो 152 बन जाएगा ये, ठीक है। तो ये 8 पे कट होगा, तो नाउ वी आर लेफ्ट विद 48 मल्टीप्लाई बाय 25। अब 48 को 25 से मल्टीप्लाई कर लो तो तुम्हारा आंसर आ जाएगा। अब मल्टीप्लाई गलत कर रहे होंगे, इसमें आंसर में वेरिएशन आ रहा है आपका, किसी का 1100 आ रहा है, किसी का 12। तो क्वेश्चन तो सेम ही है ना बेटा, 48 को आपको मल्टीप्लाई करना है 25 से, ठीक है। 25 से मल्टीप्लाई करोगे, 25 8 जो होता है 200, 20 यहाँ पे आ जाएगा, 25 4 जो होता है 100, 100 में 20 ऐड करोगे 120, तो 1200 विल बी द राइट आंसर, सी ऑप्शन आ जाएगा, ठीक है। यस अवनीश सिंह, इट इज योर राइट आंसर। ये तो बच्चा ना मक्खन वाला भी बंद कर दिया। हाँ जी यश कीर्ति, यश मुझे समझ में नहीं आया क्वेश्चन नंबर 3। बेटा 100% कोई भी वैल्यू कंप्लीट होती है, ठीक है। मैंने उस पे 24% वैल्यू रिडक्ट कर दी, तो मुझे वो कितने की मिली होगी? 100 में से 24 माइनस कर लेंगे तो हमें वो 76% में मिली है। कई बार डिस्काउंट लगा होता है ना, मार्केट में जाते हैं डिस्काउंट लगा होता है कि 24% का डिस्काउंट मिल रहा है, तो वो 24 माइनस कर देंगे हम किसमें से? 100% में से, क्योंकि कोई भी वैल्यू अपने आप में कंप्लीट होती है 100%। क्लियर है? ओके थैंक यू। 76% की वैल्यू है, कितनी? 912। आपको कह रहा है एक्चुअल कॉस्ट निकालो कि रिडक्शन से पहले कितने की मिलती अगर हम डिस्काउंट ना दें, तो फिर तो पूरे 100% पे मिलती है ना, फिर तो पूरा प्राइस देना पड़ता, तो पूरे कितने की थी वो? यहाँ से 1% की वैल्यू निकाल लो पहले, 912/76, ठीक है। Then you have to find out the value of 100%. 100% निकालना है, तो 912/76 multiply by 100.
हंड्रेड से मल्टीप्लाई करेंगे, कटिंग कर देंगे इसकी, फोर पे कट हो जाएगा, ये यहाँ पे आएगा 19, यहाँ पे आएगा 25। टेबल आते हैं आपको? टेबल नहीं आते? कौन सी क्लास में बेटा? फोर्थ क्लास में आप? यू आर प्रिपेयरिंग फॉर, किस चीज की तैयारी कर रहे हो? सैनिक स्कूल। सैनिक स्कूल की। बेटा मैं आपको एक सजेशन दूंगी कि आप कुछ टाइम के लिए ग्रुप नंबर वन में ऐड हो जाइए। ग्रुप वन में मेरे पास फोर्थ क्लास के स्टूडेंट्स हैं, ठीक है? आप मैम को या मुझे कैसे होना है? मैं आपके पेरेंट्स बैठे हैं पास में कोई? नो मैम। चलिए राखी मैम से मैं बात कर लूंगी आपके लिए। आप कुछ दिन के लिए, 2 मंथ्स के लिए या 1 मंथ के लिए वो वाला बैच पहले ज्वाइन कर लो, आपका एक बार बेस क्लियर हो जाएगा, फिर आपको इस बैच में डाल देंगे, ठीक है? ओके मैम। ओके बेटा। हाँ जी विश्व राणा। मैम हाउ 1% इज इक्वल टू 912 डिवाइडेड बाय 76? क्या? हाउ? मैम हाउ 1% इज इक्वल टू 912 डिवाइडेड बाय 76? बेटा जी 76% की वैल्यू इतनी है, ठीक है? आप 76 पेन खरीद कर लाए कुछ रुपए में। मैं पूछ रही हूँ एक पेन कितने का खरीद के लाए? अच्छा आप 10 पेन खरीद के लाए 100 रुपए में, ठीक है? एक पेन कितने का लाए? मैम 10। 10 का कैसे पता चला? ये डिवाइड में आ जाता है नीचे, 100 डिवाइड में आ जाएगा 10 के, तो 10 रुपीस, ठीक है? अगर 10 पेन खरीद के लाए 120 के, एक पेन कितने का लाए? टेन पेन 120 रुपीस के आते हैं, एक पेन कितने का आएगा? 12 रुपीस का आएगा, 12 10 जब है ना, एक पेन कितने का आएगा? 120 डिवाइड बाय 10, हम टोटल कॉस्ट को उससे डिवाइड कर देंगे, जीरो से जीरो कट हो गया, एक पेन कितने का आएगा? 12। ऐसे ही बेटा जब भी आपको 1% की वैल्यू निकालनी है तो डिवाइड करना होगा। मैम आई वांट टू आस्क, मैम इन फ्रैक्शन, मैम इफ न्यूमरेटर इज 1 एंड और डिनोमिनेटर इज 1 एंड मैम द रिमेनिंग नंबर इज, मैम लाइक इट इज बिगर देन 1, सो मैम वी विल कंसीडर द नंबर दैट इज बिगर? बेटा 1 बाय 1 है ये। मैम नो, लाइक मैम 11 बाय 1, सो मैम वी विल कंसीडर दिस नंबर। ओके मैम। पूरा वीडियो देखने के लिए और लेटेस्ट एग्जाम अपडेट्स जानने के लिए डाउनलोड करें कैरियर डिफेंस स्कूल का एंड्रॉइड ऐप।